मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज आपको मेरे पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि बॉक्सेस बॉक्सेस और पैकिंग जैसे ही है, क्योंकि मैं घर शिफ्ट करने वाली हूँ इस मंथ एंड में। तो बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, बट मेरा वीडियो जो है मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि जो ओरिजिनल मेरी लाइफ में चल रहा है मैं आपको वही दिखाऊंगी। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुझे इश्यू नहीं है कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, तो जस्ट आप अवॉइड करना, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं होम सेंटर के हॉल की। मैंने थोड़ा सा कुछ सामान मंगवाया है और ये मैंने मिंत्रा के थ्रू ऑर्डर किया था क्योंकि मिंत्रा पे बहुत अच्छा ऑफर था। तो मैंने बेसिकली तीन चीज़ें मंगवाई हैं, जिसमें से एक चीज़ मैंने रिटर्न कर दी, वो मुझे पसंद नहीं आई। बाकी जो दो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ जो काफ़ी अच्छी हैं। तो सबसे फर्स्ट तो मैंने मंगवाया है होम सेंटर से ये यू एन होम रोमांस लीड डिफ्यूज़र। मैं इमेज साइड में लगा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा ये वाला है, और ये अच्छी सी बहुत अच्छी पैकिंग में आया। तो इसके साथ ये स्टिक्स हैं और सिंपल जैसा होता है वैसा है, और इसकी फ्रेगनेंस भी ओके ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और इस पर अच्छा खासा ऑफ था तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंडेड करूँगी कि आप ये ले सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो 599 है और ये आई थिंक मुझे 311 में मिला, मतलब ऑलमोस्ट 48% इस पर ऑफ था। और गिफ्ट करने के पर्पज से ये काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। एक मैंने ये मंगाया, इसके बाद मैंने इतने सारे ये पिलो कवर्स मंगाए। ये पिलो कवर्स आई थिंक 8 है, मतलब 4 डिज़ाइंस हैं, 2-2 का पेयर है, और इस पर 50% ऑफ था तो 999 के थे, और जो मुझे 50% ऑफ में 500 के पड़े हैं। तो होम सेंटर की क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं। उसमें लिखा तो ये था कि ये उसके हैं क्या बोलते हैं कुशन कवर हैं, पर ये बेसिकली पिलो कवर है और अच्छे खासे काफ़ी बड़ी साइज के पिलो कवर्स हैं, मतलब अच्छा खासा बड़ा पिलो भी इनमें आ जाएगा। तो एक ये डिज़ाइन थी, मैंने भी आपको दिखाई, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं और ये मुझे बिल्कुल वर्थ लगा कि ये आप ले सकते हो। और इनके मैचिंग के ना एक्चुअली बेडशीट भी मिलती हैं, बट मेरे पास बेडशीट ऑलरेडी थी तो मैंने सोचा पिलो कवर्स ही ले लेती हूँ। दूसरा ये डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मिनट थर्ड डिज़ाइन ये है, ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था, पर ठीक है मैं तो यूज़ कर लूँगी अपने घर में। मेरे यहाँ तो वैसे भी मैं कोई मिक्स एंड मैच नहीं, मिक्स मैच करके ही बिछाती हूँ। ये थर्ड डिज़ाइन है, पर प्राइस वाइज काफ़ी अच्छे थे, मतलब सस्ते मिल रहे थे और क्वालिटी वाइज अच्छे ही हैं, क्वालिटी इनकी अच्छी है। कलर आई डोंट थिंक इनका फेड होगा। और फोर्थ ये वाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने ये 4 मंगाए हैं, मतलब इनका 8 का पीस है, तो ये मंगाया। ये भी मैं रिकमेंडेड करूंगी कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। मिंत्रा के लिंक्स जो भी हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद थर्ड चीज़ जो मैं आपको बता रही थी वो मैं ऑलरेडी रिटर्न कर चुकी हूँ तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट ये वाला जो मैं यहाँ साइड में उसका फोटो लगा दूंगी तो आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैंकेट कम दोहर कम कम्फर्टर मंगवाया था। ये इसकी प्राइस 599 थी और ये मुझे आई थिंक 50% ऑफ में मिला था, अराउंड 300 समथिंग कुछ का। बट इसमें आया कलर बहुत अच्छा था, लाइट ग्रे कलर था। स्टफ इसका बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था और पतला सा था। बट इसकी जो मेरे साथ जो मेजर प्रॉब्लम थी कि इसकी चौड़ाई तो काफ़ी अच्छी थी पर इसकी लेंथ थोड़ी छोटी थी, तो मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब चादर जैसी भी फीलिंग नहीं आ रही थी। थोड़ा लंबा होता तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता। तो आप मतलब इसे थ्रो जैसे ही डाल सकते हो। उस पर ये लोग लिख रहे हैं वेबसाइट पे कि ये कम्फर्टर है, बट एक्चुअल में ये ना थ्रो है बस। तो आप इसे डाल सकते हैं, ये आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको दे सकते हैं ओढ़ने के लिए। समर्स के लिए अकॉर्डिंगली एसी चलता है तो थोड़ा सा मोटा जो हमें चाहिए होता है ये वैसा सा। ऑल्दो बहुत सॉफ्ट था, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, बस इसकी लेंथ थोड़ी सी कम थी। मेरी हाइट 5'3" है और मुझे भी लगा कि नहीं इसकी लेंथ थोड़ी कम है, मुझे और थोड़ा लंबा लेना चाहिए था। तो ये मेरे साथ एक इसका ड्रॉबैक था, इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया। तो अगर ये आप अपने लिए लेना, मतलब अगर किसी एडल्ट के लिए लेना चाह रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगी, क्योंकि ये मतलब लेंथ वाइज छोटा है। पर हाँ, बच्चे के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अदरवाइज मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा हॉल अबाउट होम सेंटर। अगर
प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।